सबसे सेफेस्ट ये कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको मिलने वाली है। ये प्रोजेक्टर यूनिट आपको मिल जाती है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक, ये पूरा एलईडी सेटअप आपको मिल जाता है। 23 से 24 किलोमीटर का जबरदस्त माइलेज मिलता है। ब्रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं। राइट साइड में अगर देखें तो हेडलैम्प्स, वही सिस्टम मिल रहा है जो सबसे फेवरेट है आपका। 3 मोड्स इसमें मिलने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त वर्क करते हैं ये, तो ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो बहुत पसंद आने वाला है। टाटा नेक्सॉन का ये जो सनरूफ है ना, वो आप बड़ी जबरदस्त इसका कंफर्ट है यार। रियर एसी वेंट्स भी यहाँ मिल जाते हैं अपने को, इसका फील ही अलग है यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन। अब ये जो है टाटा नेक्सॉन का पर्टिकुलर XM प्लस S वेरिएंट है। अब यार नाम इतना बड़ा सा लग रहा है, टाटा नेक्सॉन का जो ना XM वेरिएंट आता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है। साथ में एक S और इसमें ऐड हो जाए ना, तो यार काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें मिल जाता है अपने को सनरूफ। अब जो प्लस और एस वाला जो मैटर है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस नेक्सॉन XM प्लस S वेरिएंट में, सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे सेफेस्ट ये कॉम्पैक्ट SUV आपको मिलने वाली है टाटा नेक्सॉन, और उसके साथ में जो फीचर्स है ना यार, वो भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें इसकी नेक्सॉन XM प्लस S वेरिएंट की, तो ये 10,79,000 में आपको एक्स शोरूम आ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 13,00,000 में ऑन रोड आ जाती है, और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, और इस वक्त अपन है सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो इनकी सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो विजिट करके या कॉल करके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देखिए, इतना ज़बरदस्त आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल मिल जाता है। अब ओवरऑल अगर इसके विड्थ की बात करें तो 1811 mm की इसकी ओवरऑल विड्थ मिल जाती है। अब सेंटर में अगर देखें तो टाटा का लोगो मिल जाता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिल जाती है। अब क्रोम देखिए थ्रू आउट आपको मिल जाता है इसके फ्रंट में। अब हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो देखिए प्रोजेक्टर यूनिट आपको मिल जाती है, साइड में LED DRLs मिल जाते हैं। अब डुअल बैरल आपको मिल रहा है हेडलैम्प्स, और साइड में आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प हाई बीम के लिए मिल जाता है, और ये जो है ना ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ में आता है। नीचे फॉग लैंप्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में, लेकिन टर्न सिग्नल्स आपको साइड में मिल जाते हैं जो कि हैलोजन बेस्ड है। तो फ्रंट प्रोफाइल से देखिए तो कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के XM प्लस S वेरिएंट के। अब साइड प्रोफाइल में जैसे अपन जाते हैं तो देखिए क्लैडिंग काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, अब वो कैसे पता करें, क्योंकि हायर ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 209 mm का इसमें क्लास लीडिंग आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल रहा है। अब व्हील्स के सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें आपको 195/60R16 इंच के इसमें आपको व्हील्स मिल जाते हैं। स्टील रिम्स है, लेकिन आपको ऊपर से व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं। अब फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक, तो ये इसके ब्रेकिंग का सेटअप है। साथ में ब्रेक असिस्ट भी अपने को मिल रहा है। मतलब फीचर्स देखो यार, इतने बढ़िया एक से बढ़कर एक फीचर मिलने वाले हैं आपको। अब ORVM की अगर बात करें तो मैट फिनिश में आपको मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स इसमें इंटीग्रेट किए हैं, और ये जो ORVM है ना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ऑप्शन आपको मिल रहा है। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, और देखिए आपका फेवरेट जो फीचर है मतलब सनरूफ, वो भी इसमें आपको मिल जाता है। अब शोल्डर लाइन देखिए पूरी व्हाइट कलर में ब्रॉड एक स्ट्रिप मिल जाती है, देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। अब ए पिलर और बी पिलर पूरा ब्लैक आउट किया हुआ है। ग्लास एरिया काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है अपने को टाटा नेक्सॉन के अंदर। अब साइड प्रोफाइल से देखें तो कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के XM प्लस S वेरिएंट के। अब इसके अगर डायमेंशंस की बात करें तो यार अंडर 4 meter ये कार है, लेकिन स्पेस बड़ा ज़बरदस्त है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 3993 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ मैंने बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो 2498 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल रहा है, मतलब लगभग यार 2500 mm का ही आप मान के चलो। इंटीरियर स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है अंदर, और वो भी अभी अपन अंदर जाके चेक करने वाले हैं। तो साइड प्रोफाइल कंप्लीट होती है, और रियर प्रोफाइल के साइड में अपन जैसे ही जाते हैं तो देखिए टॉप साइड में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, वो भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। अब देखिए इंटीग्रेटेड स्पॉइलर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। सेंटर में अपन आते हैं तो टाटा का लोगो, नेक्सॉन की बैजिंग। अब टेल लैंप्स की अगर बात करें तो देखिए ये पूरा LED सेटअप आपको मिल जाता है। टर्न सिग्नल और रिवर्स पार्किंग लैंप आपको हेलोजन बेस्ड मिल जाते हैं। नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी अपने को मिल जाते हैं ये देखिए। और ट्रायरों का जो डिज़ाइन है ना, साइड में आपको मिल जाता है। तो रियर प्रोफाइल से देखें तो कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के। अब बूट की बात करें तो उसको ओपन करने के लिए अपने को आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं दिया है बूट में। उसको ओपन करने के लिए ये देखिए यहाँ पे एक बटन मिल जाता है, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो बूट स्पेस ओपन हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं देना चाहिए था रिक्वेस्ट सेंसर। अब बूट स्पेस की अगर बात करें तो देखिए
काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिलता है टाटा नेक्सॉन के अंदर। पार्सल ट्रे यहाँ नहीं मिलता, लेकिन बूट लाइट मिल जाती है अपने को, और दो हुक इधर मिल रहे हैं और दो हुक इधर, मतलब चार हुक मिल जाते हैं 3 kg के लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में। अब देखिए बूट एरिया काफ़ी फ्लैट दिया हुआ है, मतलब इन और आउट करना लगेज काफ़ी बढ़िया है। 350 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस मिलने वाला है। अब देखिए टायर मोबिलिटी किट भी यहाँ मिल जाती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। अब नीचे साइड अगर देखें तो स्पेयर व्हील मिल जाता है, वो भी 16 इंच का, बिल्कुल मतलब फुल साइज़ का स्पेयर व्हील मिल रहा है स्टील रिम में। अब ऊपर आपको मिल जाती है क्लैडिंग और स्पेस काफ़ी बढ़िया इसमें मिल जाता है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं बंद। तो डोर्स यार बड़े हैवी है, जो थर्ड साउंड है ना सुनते ही समझ में आता है कि जो बिल्ड क्वालिटी है ना बड़ी तगड़ी मिलने वाली है। अब रियर प्रोफाइल कंप्लीट होता है। अब साइड प्रोफाइल में हम जैसे ही आते हैं तो देखिए आपको फ्यूल फिलर कैप मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो यार 23 से 24 km का ज़बरदस्त माइलेज मिलता है इस तगड़ी बिल्ड क्वालिटी वाली टाटा नेक्सॉन से भी। 5-स्टार रेटिंग है, हैवी है बिल्ड क्वालिटी, लेकिन फिर भी मिल जाता है इतना ज़बरदस्त माइलेज। तो वॉक अराउंड अपन ने सारी चीज़ें देख ली है, अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्योंकि अंदर भी बड़े सरप्राइज हैं। वीडियो में बने रहिए, और पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, फटाफट से कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे मेरे जो वीडियोज़ है ना सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अब देखिए डोर पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी डुअल टोन मिल जाता है, पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, नीचे बॉटल होल्डर मिल जाता है और स्पीकर का ग्रिल। अब स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब देखिए ORVM आपको एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए बटन यहाँ मिल जाता है। अब सीट्स की अगर बात करें तो यार टाटा नेक्सॉन की जो फ्रंट और रियर की जो सीट्स है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आपको मिलने वाली है। अब देखिए काफ़ी वाइड इसमें सीट मिल जाती है, फैब्रिक अपोजिटी है, लेकिन ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े स्कूप्स इसमें मिलने वाले हैं, एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अब अंदर अपन चलते हैं और देखते हैं अंदर का जो माहौल है वो कैसा है। तो चलिए ये हो गया, सीट को ओपन कर लेते हैं पीछे, जैसे सारा व्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हैजार्ड को भी बंद कर देते हैं। सबसे पहले स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो जनरली सभी जो कार्स है उसमें डीकट शेप आपको मिल जाता है, सेंटर में टाटा का लोगो, और ये देखिए डिटेलिंग पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है, और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और टेलीफोनी के कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं अपने को। अब इसकी अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। अब जो मेन जो इसके फीचर्स हैं आप देखते रहिए यार, बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। ऑटोमेटिक वाइपर्स मतलब रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल रहे हैं। राइट साइड में अगर देखें तो यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प्स मतलब हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं। सेंटर कंसोल की बात करें, डैशबोर्ड की बात करें तो देखिए फ्लोटिंग स्टाइल में अपने को वही सिस्टम मिल रहा है जो सबसे फेवरेट है आपका हरमन का, मतलब हरमन का आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 4 स्पीकर के साथ, और क्वालिटी एकदम टॉप क्लास की मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और प्रीमियम साउंड आता है इसका, पता है ना आपको, जिसके पास भी होगी ना, तो अगर आपको सबसे फेवरेट ये म्यूज़िक सिस्टम लगता होगा ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास टाटा नेक्सॉन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब नीचे साइड AC वेंट्स मिल जाते हैं, हैजार्ड का बटन और नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ मिल जाती है क्रोम में। नीचे साइड अपन आते हैं तो मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बूट का बटन मिल जाता है रियर साइड का बूट ओपन करने के लिए, और यहाँ पे क्या मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और USB कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे सॉकेट मिल जाता है। 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है, और साथ में रिवर्स कैमरा जो है ना ऐसे पुल करके आपको एंगेज करना पड़ता है। इसकी जो चाबी है मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई, चलिए पहले देख लेते हैं। 3 मोड्स आपको मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स, 3 मोड्स इसमें मिलने वाले हैं, बड़ा ज़बरदस्त वर्क करते हैं ये, आप कभी फील करके देखिएगा। अगर आपके पास है ना टाटा नेक्सॉन तो आप मुझे उसका जो फीडबैक है ना वो ज़रूर बताइएगा। यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है, और ये जो है ना टॉप मॉडल में आपको डेडिकेटेड आर्म रेस्ट मिल जाता है। अब ये है हैंड ब्रेक, अब ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के टिप के साइड में आता है। अब ये देखिए चाबी की अगर बात करें तो एक रिमोट की मिल जाती है, रिमोट मतलब फ्लिप की मिल जाती है, 3 फंक्शन मिल जाते हैं लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प, पीछे टाटा का लोगो, और एक मैनुअल की मिल जाती है। तो चलिए इसको अपन लगा देते हैं और देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या जादू आपको देखने को मिलता है। तो ये अपन ने किया ऑन, तो ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पूरा का पूरा डिजिटल आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में MID, राइट साइड में फ्यूल गेज, और ऊपर अपने को टेम्परेचर गेज दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल जाता है MID में, अब देखिए ओडोमीटर दिखा रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है, और सेंटर में स्पीडोमीटर। तो इतने कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसको अपन जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए एवरेज दिखा रहा है ट्रिप में,
तो यार 19.9 का एवरेज, मतलब आप समझ ही सकते हैं 23 का जो ARI क्लेम्ड है ना, पक्की बात है आप निकाल लोगे। देखिए ट्रिप ए ट्रिप बी, इतने फीचर्स मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पे मैंने सब बता दिया। अब ग्लब बॉक्स की अगर बात करें तो देखिए सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आपको मिल जाता है, और ग्लब बॉक्स जो है ना यार बहुत डीप मिलने वाला है, ऑर्गेनाइजर के साथ में मिलता है टाटा नेक्सॉन का ग्लब बॉक्स। अब टॉप साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, टिकट होल्डर। सेंटर में IRVM मिल जाता है जो डे एंड नाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, तो यार ये देना चाहिए था मुझे कहीं ना कहीं लगता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो कैबिन लाइट मिल जाती है, सनरूफ के जो कंट्रोल्स है यहाँ मिल जाते हैं आपको, माइक मिल जाता है। सनरूफ के लिए वेट करिए, अभी बताता हूँ मैं आपको। अब लेफ्ट साइड में अगर देखें तो वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब सनरूफ ओपन करने के लिए ये देखिए इस बटन को मैं जैसे क्लिक करूँगा, सनरूफ की ओपनिंग भी जो है ना यार काफ़ी वाइड आपको मिलने वाली है, तो बहुत पसंद आने वाला है टाटा नेक्सॉन का ये जो सनरूफ है ना वो आपको, क्योंकि ये जो फीचर है ना यार डिमांड में रहता है। और आपको देखिए XM वेरिएंट में ही एडिशनल एक वेरिएंट दे दिया है जिसमें प्लस और एस ऐड करके आपको सनरूफ भी दे दिया है ना, मज़ेदार। तो चलिए इसको अपन ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ क्या यार बंद कर देते हैं, ऑफ थोड़ी, तो ये हो गया यहाँ से बंद, ये हो गया। अब फ्रंट के सारे फीचर्स हो गए। अब सीट्स की अगर बात करें तो देखिए सीट काफ़ी वाइड इसमें मिलने वाली है, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है। तो फ्रंट के सारे फीचर्स अपन ने देख लिए। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वो क्या मिल जाते हैं, तो दो एयरबैग्स मिल जाते हैं फ्रंट में, ABS मिल जाता है, ABD मिल जाता है, साथ में इसमें आपको मिल जाता है ब्रेक असिस्ट, तो इतने फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और BS 6.2 के सारे जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना वो भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अब वो क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो सेफ्टी एकदम हो गई टॉप क्लास की। तो फ्रंट के फीचर्स हो गए, अब चलते हैं रियर सीट में और देखते हैं वहां का जो माहौल है वो कैसा है और क्या क्या फीचर्स अपने को मिलते हैं। तो ये करें अपन ने ऑफ, तो चलिए ये पूरे मैट फिनिश में मिल जाते हैं आपके जो डोर हैंडल्स है वो। अब रियर डोर की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है, नीचे बॉटल होल्डर और आपको स्पीकर का ग्रिल मिल जाता है। अब सीट्स की अगर बात करें तो यार रियर सीट्स जो है ना टाटा नेक्सॉन की बहुत ज़्यादा वाइड आपको मिलने वाली, कंफर्ट एकदम ज़बरदस्त मिलने वाला है, हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते, फिक्स्ड मिल जाते हैं। अब बैठ के अपन देख लेते हैं कितना स्पेस मिल जाता है अपने को। तो यार रियर सीट में बैठते ही बड़ी ज़बरदस्त इसका कंफर्ट है यार, देखिए अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, और जो सीट का कंफर्ट मुझे टाटा नेक्सॉन में लगता है ना यार वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत बढ़िया फील होगा आपको इसमें बैठ के, मतलब कितनी ही लंबी जर्नी हो बड़े कंफर्टेबल वे में आप इससे कर लेंगे। अब सीट देखिए काफ़ी वाइड है, 3 पैसेंजर ईजिली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्लोर की बात करें तो माइनर से आपको एक हम्प मिल जाता है, माइनर नहीं थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अगर किसी की हाइट ज़्यादा होगी ना तो ये इसके पैर में अड़ने वाला है। रियर AC वेंट्स भी यहाँ मिल जाते हैं अपने को, और रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है टाटा नेक्सॉन के XM+S वेरिएंट का। तो फीचर्स आप देख ही रहे हैं यार कितने बढ़िया इसमें आपको मिल जाते हैं, सनरूफ भी मिल जाता है इसमें, ठीक है। अब प्लस और एस जोड़ने से यार देखिए ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, रेन सेंसिंग वाइपर मिल रहे हैं आपको, ये देखिए टच स्क्रीन भी मिल रही है वो भी हरमन की यार, और सनरूफ भी मिल रहा है ना, वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए कंफर्ट काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है अपने को टाटा नेक्सॉन की सीट्स में, ये तो पक्की बात है। और डीजल इंजन जो है ना वो तो यार इसका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, तो वो अपन देख लेते हैं इंजन बे ओपन करके। तो रियर सीट से सारी चीज़ें हो गई, अब देखिए हुक वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, अब इधर भी मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके इंजन बे की तरफ, तो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है, हाँ ये मिल जाता है बटन, इसको जैसे पुल करेंगे तो इंजन बे ओपन हो जाएगा। तो ये है टाटा नेक्सॉन का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन। अब इसकी पावर की अगर बात करें तो यार इसमें आपको लगभग 113 BHP का पावर मिल जाता है, साथ में 260 NM का टॉर्क, तो पावर और परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त इसमें मिलने वाली है, इसका फील ही अलग है यार। अब ABS EBD की यूनिट मिल जाती है, एक्स्ट्रा इंसुलेशन भी दिया है कंपनी ने NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए, लेकिन BS 6.2 के जो नॉर्म्स आए ना उसके बाद में रिफाइनमेंट पहले से बेटर हो गया है, और माइलेज जो है 23 से 24 KMPL का इसमें अपने को मिल ही रहा है। तो देखा आपने टाटा नेक्सॉन का जो XM+S वेरिएंट है उसमें फीचर्स यार काफी बढ़िया आपको ऑफर होते हैं टाटा नेक्सॉन के इस वेरिएंट में। अब कंफर्ट जो है यार वो तो टाटा नेक्सॉन का बहुत जबरदस्त है, और साथ में जो क्लास लीडिंग फीचर्स इसमें मिलते हैं, मतलब जो सेफ्टी है वो क्लास लीडिंग मिलती है, और जो कंफर्ट है ना वो भी क्लास लीडिंग मिलता है आपको इसमें। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूं, एक्स शोरूम प्राइस की बात करें इसकी 10,79,000 में ये आपको एक्स शोरूम आ जाती है, ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको लगभग 13 लाख में
ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो चलिए, मुझे लगता है सारे जो कन्फ्यूजन थे ना आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जो आंसर है मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में रखते हैं इतना ही। कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।